नमस्कार दर्शकों, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं सलोनी राजपूत हाजिर हूं अभी तक की कुछ खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों पर। जनपद बिजनौर के सियारा में रामलीला मंचन के दौरान राम भरत मिलाप पर हर्ष उल्लास के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। मनमोहक झांकियां रही आकर्षण का मुख्य केंद्र। धामपुर शुगर मिल के डिस्टिलरी प्लांट में अचानक आग लगने से मिल परिसर में मचा हड़कंप। मिल कर्मियों तथा फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। जनपद बिजनौर के थाना नांगल क्षेत्र में नाबालिग युवती से दुष्कर्म। पीड़िता के भाई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। जनपद बिजनौर के चांदपुर में हर्षोल्लास के साथ निकाली गई राम भरत मिलाप की शोभा यात्रा। शोभा यात्रा के उपरांत रामलीला मंचन के कलाकारों और सहयोगियों को किया गया सम्मानित। जनपद बिजनौर में आयोजित अंतर जनपदीय खेल प्रतियोगिता का मुरादाबाद मंडलायुक्त अनंजय कुमार सिंह ने किया उद्घाटन। बिजनौर कोतवाली शहर क्षेत्र स्थित विदुरकुटी में किया गया जनजन के राम रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ। मंडलायुक्त ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। मुरादाबाद के मंडलायुक्त अनंजय कुमार सिंह ने बिजनौर जनपद के अधिकारियों को साथ लेकर विदुरकुटी में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र और पुस्तकालय का निरीक्षण कर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर लॉगिन करिए। अभी तक चैनल को सर्च कर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए अपने जिले की खबरों के साथ। खबरें विस्तार से। जनपद बिजनौर के सियारा में नगर के रामलीला मैदान में हर साल की तरह इस साल भी रामलीला मंचन के दौरान भरत मिलाप के अवसर पर जुलूस का आयोजन किया गया। जुलूस नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस रामलीला मैदान पर पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस का नगर में सपा जिला सचिव राजपाल प्रजापति, व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण वर्मा सहित नगर में अनेक स्थानों पर स्वागत किया गया। भरत मिलाप जुलूस में भगवान राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न, हनुमान सुग्रीव आदि की सुंदर सुंदर झांकियां नगरवासियों के मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी रही। जुलूस को सफल बनाने में राजवीर सिंह त्यागी, राजकुमार प्रजापति, महेंद्र शर्मा, पप्पू पंडित, सुरेंद्र शर्मा, सुनील शर्मा, रघुवेंद्र सिंह चौहान आदि का अहम सहयोग रहा। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। उधर चांदपुर में भी राम सेवक मंडल रामलीला कमेटी के संयोजन में भरत मिलाप के अवसर पर शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल झांकियां नगरवासियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी रही। शोभा यात्रा सरगम टाकिस से होते हुए सातों इमली, शिवशंकर मूर्ति, दिल्ली बाजार, नेहरू चौक, हनुमान मंदिर होते हुए रामलीला मैदान पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान रामलीला मंचन में सहयोग करने वाले लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। चांदपुर विधायक कमलेश सैनी, उप जिलाधिकारी हिमांशु वर्मा, पुलिस क्षेत्र अधिकारी शुभ सूचित आदि ने कार्यक्रम की सराहना की। सुधीर कुमार अग्रवाल के संचालन में आयोजित कार्यक्रम के समापन पर मीडिया कर्मियों, पुलिस कर्मियों सहित अन्य को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। कमेटी अध्यक्ष विकास गुप्ता, रॉकी राकेश गुप्ता, ब्रजेश कौशिक, राजकुमार बंसल, पवन कुमार गोयल आदि का सहयोग रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है। पूरे विश्व में प्रत्येक 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा 22 दिसंबर 1992 को प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी उन्मूलन दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य गरीबी में रह रहे लोगों के संघर्ष को जानने, समझने और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के प्रयासों को मौका देना है। लेकिन क्या गरीबी को दूर करने के प्रयासों में सफलता मिल रही है? वैसे तो हमारे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना जैसी विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, जिसके तहत देश के काफी पात्र लोगों को लाभ भी मिला है।
लेकिन जमीनी स्तर पर देखें तो अभी भी काफी परिवार ऐसे हैं जिन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसा ही एक परिवार है जनपद बिजनौर के सियौरा का, जहां परिवार के लोग पन्नी की छत के नीचे अपने गुजर बसर करने को मजबूर हैं। परिवार के मुखिया अशरफ अली का कहना है कि वे विभिन्न आवास योजनाओं के लिए कई बार आवेदन कर चुके हैं, लेकिन उनके कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सोचने की बात यह है कि एक ओर जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी दूर करने के लिए विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है, विभिन्न देशों के मुखियाओं द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी पात्र लोग ऐसे हैं जिन्हें गरीबी दूर करने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। सियौरा से हमारे संवाददाता नजम सिद्दीकी ने सियौरा के उस परिवार से ग्राउंड लेवल पर जाकर हालात जाने जो इस आधुनिक समय में भी पन्नी की छत के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सियौरा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। मैं नजम सिद्दीकी मौजूद हूं इस वक्त जनपद बिजनौर की विधानसभा धामपुर के कस्बा सियौरा में। आपको बता दें आज अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है। पूरे विश्व में प्रत्येक 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें इस दिवस का उद्देश्य है लोगों में से गरीबी को दूर करना। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह दिवस मनाया जाता है और आज अभी तक न्यूज़ चैनल ग्राउंड लेवल पर इसकी सत्यता जांच कर रहा है। क्या है, क्या वाकई में देश से गरीबी मिटाई जा रही है? आज हम इसी संबंध में एक ऐसे आवास के मालिक से बात करते हैं जिसका कहना है 10 से 20 मरतबा उसने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के फॉर्म भरे दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसे आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। आपको बता दें जनपद बिजनौर के कस्बा सिहारा का रहने वाला अशरफ, जो मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, पन्नी डालकर गुजर बसर कर रहा है और आज बारिश पड़ रही है, बारिश के मौसम में पूरा मकान टपक रहा है। ऐसे में विश्व में गरीबी दिवस मनाया जा रहा है लेकिन हालात इसके बिल्कुल विपरीत हैं। कैमरामैन मोहम्मद रुमान के साथ नजम सिद्दीकी, अभी तक सिहारा। अशरफ अली, अशरफ साहब ये बताइए, ये पन्नी जो पड़ी हुई है मकान की, क्या सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिला? ना, हम तो सारी जिंदगी हो गए पीछे भागते भागते, हमें तो कोई लाभ ही ना है। प्रधानमंत्री आवास योजनाएं चलाई जा रही हैं, लोगों को गरीब मकान दिए जा रहे हैं, क्या मकान के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया? कम से कम 50-52 कर दिए। अच्छा, आज तक तो कोई सुनवाई ना, हमें तो यूँ कह दे के तुम्हारी कहाँ है। इसके फोटो वोटो खींच के ले? फोटो भी गए हुए हैं, वैसे भी गए हुए हैं, कागज सब रंग का कागज गया हुआ। मैं बहना में सुधा नगर पालिका में भी जमा करे हमने, तो मैं बहना में सुधा। अच्छा जी, तो कोई अभी तक कोई सुनवाई हमारी तो कोई जिक्र ही ना है कहीं। शाहजहां खातून, ये जो आपका जो पन्नी डाल रखी है, क्या सरकारी योजना प्रधानमंत्री द्वारा जो आवास योजना चल रही है उसका कोई लाभ मिला आपको अभी तक? ना, अभी कुछ भी ना मिला हमें। आपने फॉर्म भरे इसके? 10 भरे, 10। अच्छा, क्या कह दिया गया संबंधित अधिकारी? आए ना, कहते थे मिल जाएंगे, फिर मिले ही ना आज तक। अच्छा, ये जो पन्नी पड़ी हुई है, चरपाई पड़ी, कौन कौन रहता है इसमें? क्या हम ही रहेंगे? अच्छा, इसी में रहते हैं। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं अभी तक की बाकी खबरों के साथ, तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। बरेली जोन के अंतरजनपदीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन जनपद बिजनौर में किया गया, जिसका उद्घाटन मुरादाबाद के मंडलायुक्त अनंजय कुमार सिंह ने किया। खेल प्रतियोगिताओं के अंतर्गत वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, टेबल टेनिस, सेपक टकरा और योगा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिताओं में जनपद बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद संभल, अमरोहा और बिजनौर की टीमों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। खेल प्रतियोगिताओं के उद्घाटन समारोह में बिजनौर पुलिस अधीक्षक डॉ. धर्मवीर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉ. प्रवीण रंजन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राम अर्ज सहित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस मौके पर उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त अनंजय कुमार सिंह ने प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाली टीमों का उत्साहवर्धन किया तथा उपस्थित लोगों को खेलों के प्रति जागरूक किया। ब्यूरो रिपोर्ट। धामपुर शुगर मिल के डिस्टिलरी प्लांट में अचानक भीषण आग लगने से मिल परिसर में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना पर सैकड़ों मिल कर्मी
तथा अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आग की तीव्रता इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में डिस्टिलरी प्लांट की मशीनरी तक आग की तेज लपटें पहुंच गई। मिल कर्मियों तथा अग्निशमन विभाग की टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार धामपुर शुगर मिल परिसर में वीके डिस्टिलरी के नाम से डिस्टिलरी प्लांट संचालित है। बताया जा रहा है कि प्रतिदिन की भांति डिस्टिलरी प्लांट में सैकड़ों श्रमिक अपने कार्य पर थे। इसी दौरान दोपहर के समय अचानक डिस्टिलरी प्लांट के एक हिस्से में चिंगारी निकलने से आग लग गई। आग की तीव्रता इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में डिस्टिलरी प्लांट की विद्युत लाइन और अन्य उपकरणों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। डिस्टिलरी प्लांट से आग की तेज लपटों को निकलता देख श्रमिकों ने अलार्म बजाकर फायर अलर्ट जारी कर दिया, जिसके बाद मिल के कर्मचारी अपने संसाधनों से आग बुझाने में जुट गए। लेकिन काफी समय बाद भी आग पर काबू न पाए जाने पर अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम और मिल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उधर आग की सूचना मिलने पर मिल उपाध्यक्ष MR खान, महाप्रबंधक प्रशासन विजय कुमार गुप्ता, डिस्टिलरी प्लांट के GM रितेश गुप्ता, गन्ना विभाग के मनोज चौहान आदि मौके पर पहुंचे तथा आग लगने के कारणों को जानने का प्रयास किया। इस घटना पर महाप्रबंधक प्रशासन विजय कुमार गुप्ता का कहना है कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। उन्होंने घटना स्थल के पूरे निरीक्षण के बाद ही आग लगने के कारणों तथा नुकसान के आकलन की जानकारी देने की बात कही। जनपद बिजनौर के थाना नांगल क्षेत्र से एक नाबालिग युवती से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता के भाई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल नांगल थाना क्षेत्र के गांव पुंडरी निवासी ब्रजेश कुमार ने थाना नांगल पर एक तहरीर देकर 3 लोगों पर उसकी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। पीड़िता के भाई के अनुसार एक दिन पूर्व उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी, जिस पर उसके पिता ने अपने परिचित 3 लोगों के साथ 14 वर्षीय नाबालिग युवती को दवाई लेने के लिए चंदक भेजा था। पीड़िता के भाई के अनुसार वह तीनों व्यक्ति उसकी बहन को दवाई दिलाने चंदक ले गए और वापसी में उसे एक फार्म हाउस पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बदहवास हालत में वहीं पड़ा छोड़ गए। काफी देर तक युवती के वापस न लौटने पर पीड़िता के भाई, उसके पिता और गांववासियों ने युवती को तलाश किया तो वह फार्म हाउस पर बदहवास स्थिति में पड़ी मिली। युवती को होश आने पर उसने अपने परिवार वालों को पूरा प्रकरण बताया, जिसके बाद पीड़ित युवती के भाई ने थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। पीड़िता के भाई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है तथा 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मामला है, लड़की के बाप ने भेजा चंदक, बुखार आ गया था तो जब बुखार में भेजा लड़की को तो लड़की ने ले गया दौलतपुर का। जब दौलतपुर का ले गया तो लड़की को पहले तो दवा ले आई, भेज के ले आई, फिर लड़की को शराब के हॉस्पिटल ले गया। फिर लड़की को बोला ना तो तू होटल पर कुछ खाना खाना चाह रहा था, लड़की ने हमारी मना कर दी। कोई बात नहीं, लड़की को जब घर लाया तो कभी लड़की पर खा रहा नहीं, तो फिर लड़की को खाना कर ले गया। लड़की ने बहुत मना करी, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही। तुम बोला हमको वहाँ करके चलेंगे, कुछ चार बच रहा हूँ खत्म कर दूँगा। तो लड़की वहाँ पहुँच गई, लड़की के साथ बदतमीजी करी, बदतमीजी करी तो लड़की ने ये बात मुझसे बताया। ब्यूरो रिपोर्ट। अभी तक में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक।